फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्टर्स किचन। आज हमारे साथ हैदराबाद से यामिनी माथुर हैं, जो कि हमको मटन कोरमा बनाना बताएंगी। मटन कोरमा एक बहुत ही बढ़िया मुगलई डिश है, जो कि ये बहुत ही बढ़िया बनाती हैं। आइए आज इन्हीं से सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ओवर टू यामिनी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ यामिनी और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोरमा। थैंक यू विक्टर्स किचन फॉर फीचरिंग माय रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी टेस्टी रेसिपीज़ मिलती हैं, जिनमें से बहुत सारी तो मैंने खुद भी ट्राई की है और बहुत ही बेहतरीन बनी है। आइए जानते हैं मटन कोरमा के इंग्रेडिएंट्स। आधा किलो मटन, 4 मीडियम साइज प्याज करी कट, आधा बाउल दही, 2 कुकिंग ऑयल, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला, हरा धनिया। खड़े मसालों में हमने लिया है इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जावित्री और दालचीनी। आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मटन को मैरिनेट करेंगे। एक बाउल में मटन लेके उसमें दही डाल लीजिए और मटन के पीसेस को दही से अच्छे से कोट कर लीजिए। वैसे तो मटन कोरमा बनाने के कई तरीके हैं, पर यहाँ मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीका शेयर कर रही हूँ। हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सभी मसालों को मटन के ऊपर अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। मैरिनेशन इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ मैंने सारे मसाले दही में ऐड कर दिए हैं। अब हम इन सभी मसाले और दही को मटन के पीसेस पे अच्छे से हाथों की सहायता से कोट करेंगे। मटन अच्छे से कोट हो चुका है, अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है, आइए आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम प्याज को डीप फ्राई करेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ प्याज को गोल्डन ब्राउन होने से हल्का सा ज़्यादा तलना है। इससे ग्रेवी में एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और एक बहुत ही बेहतरीन कलर भी आता है। ये देखिए, यहाँ प्याज कितनी बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम प्याज को ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्याज ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ प्याज का पेस्ट नहीं बनाया है, उसे इस तरह से पीसा है। अब हम प्रेशर कुकर में 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। यहाँ गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और सभी खड़े मसाले डाल देंगे। मसाले हल्के भुन गए हैं, अब इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देंगे। मटन को हल्का सा चला लेंगे और अब आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है। हम नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मटन को भुनने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि हमने सारे मसाले मैरिनेशन के वक्त ही डाल दिए थे, तो अब भूनते वक्त वो सभी मसालों का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। अब जो हमने डीप फ्राइड प्याज पीस के रखी थी, उसे हम इसमें ऐड कर देते हैं।
अब हम इस प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब फ्लेम को हाई करके प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। मटन को अब हम 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, आइए मटन चेक कर लेते हैं। अरे वाह, देखिए इसमें कितना बढ़िया कलर आया है। मटन अच्छे से गल गया है, मसाले भी अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं और एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मटन तैयार हो चुका है, आइए इसे सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अब इसे हम बारीक कटे हुए हरे धनिये से गार्निश कर लेते हैं। मटन कोरमा बहुत ही जबरदस्त बनके तैयार हो गया है, आइए अब हम इसे गर्मा गर्म तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व करते हैं। अरे वाह, बहुत ही जबरदस्त मटन कोरमा बनकर के तैयार हुआ है। थैंक्स यामिनी हमें मटन कोरमा की इतनी आसान रेसिपी सिखाने के लिए। हम आगे भी आपको बढ़िया बढ़िया डिशेस सीखने के लिए बुलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आशा है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।